जनता कर्फ्यू है कोरोना वायरस के कारण और लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, अपने घरों में हैं। स्टेट लाइन के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि आप तक हर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, हर वो डिटेल पहुंचाई जाए जिससे आपका डर थोड़ा सा कम हो जाए। मैं आपको बताऊं कि भारत की स्थिति और वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है और उसमें सिल्वर लाइनिंग आपको किस तरह से देखनी है। अभी तक वर्ल्ड वाइड टोटल केसेस कोरोना वायरस के 308,615 हैं, 308,615, और उनमें से 95,834 लोगों ने रिकवर किया है। अब देखें कि अभी तक टोटल केसेस जिनको क्लोज कर दिया गया है, यानी जिन पेशेंट्स को कोरोना वायरस हुआ था उसके बाद या तो लोग रिकवर कर गए या तो जिन लोगों की मौतें होगी वो टोटल केसेस जो क्लोज कर दिए गए उनका काउंट है 1,08,905, यानी 300,000 में से 100,000 तक केसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 95,834 लोगों का रिकवर होना ये दर्शाता है कि 88% लोग जिनको कोरोना वायरस हो रहा है वो रिकवर कर रहे हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि माइल्ड कंडीशन किन लोगों की है। माइल्ड कंडीशन का मतलब कि अगर आपको कोरोना वायरस होता है लेकिन आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, आप एक्सट्रीम केस नहीं हैं, आप सेवियर केस नहीं हैं, यानी कि आपकी जान को खतरा ज़्यादा नहीं है, वो केसेस टोटल एक्टिव केसेस में से 189,767 है, यानी कि 95% केसेस माइल्ड है। अगर आपको कोरोना वायरस होता भी है तो आपके चांस रिकवरी के 88% हैं और ये चांसेस कि आपको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी, इसके चांसेस 95% है। लेकिन ध्यान, मीडिया के थ्रू भी, अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू भी आपका ध्यान भी सबसे ज़्यादा जा रहा है डेथ रेट के ऊपर। तो डेथ रेट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक 13,071 डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड वाइड, टोटल 300,000 केसेस से भी ज़्यादा केसेस में केवल 13,071 लोगों की डेथ हुई है। उसका भी हमें पूरा अफसोस है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप इसमें सिल्वर लाइनिंग ना देखें, आप ये ना देखें कि कितने सारे लोगों ने रिकवर किया है और कितने सारे ऐसे एक्टिव पेशेंट्स भी हैं जिनकी माइल्ड कंडीशंस हैं, जिन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो सीरियसली इल कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुए हैं। 13,071, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 781 करोड़ है, उसमें से केवल 308,615 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने, 88% लोगों ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। जब हम बात करते हैं वर्स्ट हिट कंट्रीज़ की, वर्स्ट हिट कंट्रीज़ वो हैं जहां सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के पाए गए और सबसे ज़्यादा सीरियस केसेस और सबसे ज़्यादा मौतें हुई। उनमें से टॉप पे नाम आता है चाइना का। तो चाइना के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाइना में 81,054 टोटल केसेस पाए गए, लेकिन कितनी डेथ्स हुई वो तो आपको हर कोई बता रहा है, 3,261 डेथ्स हुई चाइना में कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं 72,440 ऐसे लोग थे जिन्होंने टोटली रिकवर कर लिया कोरोना वायरस से, यानी कि 81,054 टोटल केसेस और 72,440 लोगों ने कम्प्लीटली रिकवर किया है। 3,000 लोगों की डेथ भी हुई है, ये भी सच्चाई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फिगर बहुत ज़्यादा है, असली फिगर्स जो हैं बताए नहीं जा रहे, लेकिन ये बातें उन लोगों को ज़्यादा बेहतर मालूम है जो चाइना में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी एक्टिव केसेस चाइना में 5,353 हैं, जिनमें से केवल 1,845 ऐसे लोग हैं जो सीरियसली इल है, बाकी जो 4,000 तक लोग हैं वो माइल्ड कंडीशन में हैं, यानी कि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है। सेकेंड वर्स्ट हिट कंट्री जो है वो है इटली। इटली के बारे में भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी मौतें इटली में भी हुई हैं, लेकिन टोटल 53,578 केसेस अगर कोरोना वायरस के इटली में पाए गए हैं तो लगभग 6,072 लोगों ने वहां पर भी रिकवर किया है। आज के टाइम में 42,681 एक्टिव केसेस इटली में हैं और टोटल डेथ्स 4,825 पहुंच चुकी हैं।
इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोगों का ध्यान इंडिया की ओर है। इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब तक एक्टिव केसेस मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अकॉर्डिंगली 341 एक्टिव केसेस कोरोना वायरस के अभी तक भारत में हैं और 5 कन्फर्म्ड डेथ्स अब तक कोरोना वायरस की वजह से भारत में हुई हैं। जहाँ बात करते हैं डिस्चार्ज की, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट करने का जिन लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है। हालांकि टेस्ट भी कम हो रहे हैं, ये मानना भी पड़ेगा, लेकिन अब तक भी 23 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये भारत की फिगर्स है, यानी जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। टोटल फिगर इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है, तब भी उसमें से 341 एक्टिव केसेस कोरोना वायरस के पाए गए और लगभग 23 लोगों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें प्रॉपरली इलाज करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी की मैं आपको बताऊं कि डेथ्स कंफर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से है, कंफर्म्ड डेथ के केसेस केवल 5 है। मीडिया में ये ज़रूर चल रहा है कि शायद से वो टोल 6 या 7 तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं आपको कंफर्म डेटा बता रही हूँ, अभी तक 5 ही है। इसलिए आप ये ज़रूर देखें कि जहाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 781 करोड़ है, वहाँ अभी तक 308,000 कुछ केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं और मेजॉरिटी लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं। इसलिए आज जब आप अपने घरों में बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठकर अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि बार बार WHO भी बता रहा है कि केवल घबराने की ज़रूरत उन लोगों को है, या तो जो बुज़ुर्ग हैं या जिन्हें ऑलरेडी कोई अंडरलाइन कंडीशन है, और अगर आपको अंडरलाइन कंडीशन है भी तब भी चांसेस हैं कि आप रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हाइपोटेंशन है या आपको डायबिटीज़ है और आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो कन्फर्म्ड है कि बस आधे घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चांसेस तब भी हैं कि अगर प्रॉपरली आपको हॉस्पिटलाइज किया जाए तो आप कोरोना वायरस से रिकवर कर सकते हैं। जिन लोगों की भी अभी तक डेथ हुई है उसका पूरा अफसोस हमें है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अपनी ह्यूमन एरर भी इसमें है, लोगों की अपनी भी गलती है कि उन्होंने ये जानने के बाद भी कि इस तरह का कोई वायरस है उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली। बार बार हर एक माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि आप अपने हाथ धोते रहें, आप मास्क, अगर आपको ज़ुकाम है खांसी है आप मास्क पहने, आप ज़्यादा बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और साथ ही में अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप घर में रहें और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। ये सारी बातें बार बार आपको बताई जा रही हैं। अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो करते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही अगर आप आइडेंटिफाई भी होते हैं कि आप COVID-19 के लिए पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी आप ज़्यादा पैनिक ना करें, एंग्जाइटी ना लें, क्योंकि आपके रिकवर होने के चांसेस 88% हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ल्ड ओवर जितना भी अभी तक डाटा कलेक्ट हुआ है COVID-19 के पेशेंट्स का, जो पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो डाटा ये रिवील करता है कि 88% लोगों ने रिकवर किया है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें और पैनिक ना करें, लेकिन पैनिक ना करने का ये मतलब नहीं है कि आप इस बात को नॉन सीरियसली लेंगे और जब ये जनता कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने घरों से बाहर निकल आएंगे। आपको तब भी ये इंश्योर करना है कि अगर आपको कोरोना वायरस है तो आप उसके कैरियर ना बने और आप किसी में वो कोरोना वायरस ट्रांसमिट ना करें। अगर आपकी कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है तो हो सकता है आप में कोई सिम्टम्स ना शो हों, लेकिन आप जिनसे मिलते हैं उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है।